चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी द बिगनर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पकौड़े, जो हम बिगनर्स को सिखाएंगे बड़े आसान तरीके से हम पकौड़े कैसे बना सकते हैं। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बैंगन, आलू, प्याज, लहसुन, बेसन, लाल मिर्च, नमक। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपने पकौड़े। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक प्लेट, और ये हम बैंगन लेंगे एक, इसको हमने ऊपर से काट लेना है और नीचे से भी हम इसको ऐसे काट लेंगे। ये दोनों साइड से हमने बैंगन को काट लेना है और फिर हमको इसको इतना जो है मोटा हम काटेंगे, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला, ऐसे हमने बैंगन को जो है काट लेना है। गोलाई में हमने इसको काटना है। साथ में हम चेक करते रहेंगे कि बीच में बैंगन खराब ना हो, कोई कीड़ा ना हो इसमें, ये हमने चेक करते रहना है। ऐसे जो है हमने बैंगन को गोल गोल काट लेना है। ये बहुत ही आसान होता है काटना, बड़ी आसानी से बैंगन कट जाता है। ऐसे अब हम ये आलू लेंगे। आलू को जो है हम अच्छे से धो लेंगे पहले, और फिर ऊपर से हम इसका जो है छिलका हल्का हल्का उतारेंगे। ये ऐसे जो है हमने इसका छिलका हल्का उतार लेना है। दोनों साइड से हम इतना हल्का छिलका जो है उतारेंगे। मिट्टी हमने जो है पूरी इसमें से निकाल लेनी है। अब हम इसको काटेंगे। हमने पूरा छिलका नहीं उतारना है, पतले पतले हमने इसको काट लेने हैं। ये देखिए इतना पतला हम इसको काटेंगे। ये ऐसे हमने इसको जो है काट लेना है। अब हम लेंगे एक प्याज। प्याज को भी हम जो है बीच में से काटेंगे। ऐसे हमने प्याज को काट लेना है। ये ऐसे हम इसको काट लेंगे। ये सब्जियां जो हैं हमारी कट गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना थोड़ा सा नमक। हाथ से हमने नमक को डालना है। ऐसे हम थोड़ा सा नमक इसके ऊपर छिड़केंगे, स्प्रिंकल करेंगे हम नमक, और ऐसे ही हमने लाल मिर्च को भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। हाथ से ही हम करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अलग अलग हमने मिक्स करना है, प्याज को अलग करना है और ये जो हमारे आलू हैं इसको अच्छे से हमने हाथ लगाकर मिक्स कर लेना है दोनों साइड से। ये हमारा हो गया है। अब बैंगन को भी हम ऐसे ही कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे इसको, ताकि हमारा जो नमक है और मिर्च है ये सब जगह लग जाए। ये ऐसे हमने इसको लगा लेना है। ये हाथ से हमने इसको दोनों साइड पे ये कर लेंगे। ये जो है हमारे आलू, बैंगन और प्याज तैयार हैं। अब हम लेंगे अपना बेसन। ये देखिए ये बेसन लेंगे। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जो है लहसुन की पेस्ट। ये एक चम्मच पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, तकरीबन 1/3 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसमें 1/3 स्पून हम डालेंगे लाल मिर्च। अब इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा और इसको मिक्स कर लेंगे। बीच में हम पानी डालते रहेंगे और इसका स्मूथ बैटर बना लेंगे। इसमें कोई लम्स रहने नहीं चाहिए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है करना, ये बहुत ही आसानी से बनते हैं। बहुत ही टेस्टी, इजी बनने वाले स्नैक्स हैं ये। आप इसको स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, खाने के साथ खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, टी टाइम में चाय के साथ खा सकते हैं। आपके घर में कोई आए आप बना सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, कुलचे के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये बिगिनर्स जो हैं बहुत आसानी से इसको बना सकेंगे।
ये इसको हमने देखिए जो है इसकी पेस्ट बना ली है। बहुत हमने जो है इसको पतला नहीं करना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है। इसको अभी हम ऐसे ही ढककर रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। उतनी देर हम अपना जो तेल है उसको गर्म कर लेते हैं। ये पकौड़े जो हैं सरसों के तेल में बनाए जाते हैं। ये सरसों का तेल जो होता है इसे मस्टर्ड ऑयल भी कहा जाता है। ये बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये ऐसे लगता है, ये येलो कलर का होता है ऐसा। ये देखिए इसकी स्मेल जो है बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए इसे पहले हमें जलाना पड़ता है और फिर हम इसको जो है यूज़ करते हैं। जब हम इसको जला लेते हैं अच्छी तरह से, खूब इसमें धुआं निकल जाता है। 10-15 मिनट के लिए हम इसको जलाते हैं। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा जो है चुटकी भर नमक डाल देना होता है। ये चुटकी भर इसमें नमक डाल देते हैं, इससे इसका स्मेल का भी फ़र्क पड़ जाता है। और इसमें जो हम कुछ फ्राई करते हैं तो घी जो है कम चूसती है, इसलिए हम इसमें नमक थोड़ा सा 1/3 स्पून ज़रूर डालें बनाने से पहले। ये तेल में बनाने से जो पकौड़े हैं ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। हमारा तेल जो है गर्म हो गया है। ये आलू और बैंगन के पकौड़े पहले हम बनाएंगे। ये आलू का पकौड़ा जिसमें नमक हमने लगा कर रखा है, नमक और मिर्च, ये हम अपने बेसन पे के बैटर में इसको डालेंगे। ऐसे अच्छे से हमने डाल के इसको मिक्स कर लेना है और फिर हमने जो है अपने कढ़ाई में डालना है। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको बनाना बहुत ही ईजी होता है। बच्चे जो हैं बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ मज़े से बैठकर कोल्ड कॉफ़ी के साथ खाया जा सकता है इसको। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से, गैस हम हल्की कर देंगे। 5 से 6 जो हैं आलू के पकौड़े हम एक टाइम एट ए टाइम बना सकते हैं। ये हमारे पे डिपेंड करता है हमने कितने के बनाने हैं। ये एक साइड से हमारे हो गए हैं, इसकी साइड हम मोड़ लेंगे। इसको बहुत तेज़ गैस पे हमने जो है नहीं बनाना, नहीं तो हमारे जो आलू हैं वो कच्चे रह जाएंगे। और यदि हम बहुत मोटा काटेंगे इनको तब भी वो कच्चे रह सकते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा मोटा इनको नहीं काटना है। ये देखिए ये हमारे एक साइड से हो रहे हैं बिल्कुल। हम इसको हल्की गैस में बनाएंगे और एक बार कच्चे करके हम इसको निकाल लेंगे। ये अभी हम इसको होने देंगे। हम साइड जो है इसकी फिर से मोड़ लेंगे। ऐसे एक दो बार करके हमने इसको बना लेना है। अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। इसको हम अच्छे से ऐसे इसका जो है ऑयल निकाल के साइड पे रख के इसको निकाल लेंगे। अपने टिश्यू पेपर में हमने इसको निकाल लेना है ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो भी साथ आ जाए। ये देखिए ये हम इसको निकाल लिया। अब हम बनाएंगे अपने बैंगन के पकौड़े। बैंगन के पकौड़े भी हमने ऐसे ही बनाने हैं। ये देखिए ये हमने गोल करे हुए हैं, काटे हुए हैं। इसको हमने फिर डिप करना है अच्छे से ताकि सारी तरफ हमारा जो है बेसन लग जाए। ये हम डाल देंगे। गैस हम थोड़ी तेज़ कर देंगे। अब दोबारा ये हमने डाल लिए हैं ऐसे ही। हम अपने बैंगन सारे डाल लेंगे। ये बैंगन के पकौड़े भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये हम इसको ऐसे ही जो है हमने इसको जैसे पिछले आलू के पकौड़ों को फ्राई करके हल्का हल्का हमने ब्राउन किया था वैसे ही हमने इसको ब्राउन कर लेना है। ये बैंगन को ब्रिंजल भी कहते हैं। ये हम इसको मोड़ लेंगे। दोनों साइड से हमने इसको हल्का हल्का जो है ब्राउन कर लेना है। ये देखिए बैंगन जो है हमारे दोनों साइड से हो गए हैं। इसको भी हम निकाल लेंगे। ऐसे ही हमने जो है इसको निकाल लेना है जैसे हमने आलू के पकौड़े निकाले थे। सारा इसका जो है ऑयल निकाल कर
या बाकी के भी जो हैं बैंगन के पकौड़े हम ऐसे ही बनाएंगे। बड़े ध्यान से हमने इसको डालना है, हमने डरना बिल्कुल नहीं है। थोड़ा दूरी पे हमने खड़ा होना है ऑयल से। ये देखिए बड़े ध्यान से हम डालेंगे, हमने उछाल कर नहीं फेंकना है इसके अंदर, हमने बड़े आराम से इसके अंदर डाल देना है, हमने ऊपर से नहीं फेंकना। ये हम प्याज जो है हमारा, ये अब हम बाकी के बेसन में मिक्स कर लेंगे। इसको हम मोड़ेंगे, ये मिक्स कर लेंगे हम इसको ऐसे, ऊपर ऊपर से बेसन लगाएंगे इसके। और ये भी हम इसमें जो है अपना डाल देंगे, हाथ से हमने इसको डालना है। ये बैटर को ऐसे पकड़कर हमने हाथ में बेसन लगाकर ऐसे डाल देना है। ये हम ऐसे इसमें डाल देंगे, इसको हमने हिलाना नहीं है, दो मिनट के लिए हमने इसको पकने देना है। इसकी साइड हम मोड़ लेंगे। अब ऐसे हमने मोड़ ली, बड़े ध्यान से हमने जो है इसको मोड़ना है। अगर हमको कोई मुश्किल लगे तो हमने कढ़ाई को हम नैपकिन के साथ भी पकड़ सकते हैं ऐसे। और हमारे अगर हाथ गीले हैं, हमने बेसन जो फिर लपेट कर हमने इसमें डाला है अपने पकौड़ों में, वो अगर हमने हाथ धोने हैं, अपने हाथ हमारे गंदे हो गए हैं, हम धोएंगे तो गीले हाथ से हमने दोबारा नहीं बनाना है। हमने जो है हाथ को नैपकिन के साथ ये पकौड़े जो है हमारे दोनों तरफ से हल्के ब्राउन हो गए हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। हमें अगर निकालने के टाइम प्रॉब्लम लगे या डालने के टाइम प्रॉब्लम लगे तो हम नैपकिन के साथ भी हम जो है कढ़ाई को ऐसे पकड़ कर इसकी ग्रिप बना सकते हैं और इसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। हमें डरना बिल्कुल नहीं है, हमने बड़े आराम से इसको डालने हैं इसमें और निकालने भी बड़े ही आराम से हैं। जब पकौड़ों को हम बेसन लगाते हैं और हमारे हाथ लगाते लगाते गंदे हो जाते हैं, हम जब धोते हैं हाथ को तो दोबारा जब हमने करना है, हमने जब ऑयल के पास आना है तो हमने हाथ गीले लेकर नहीं आना है, हमने सूखे हाथों से आना है। नहीं क्योंकि अगर हमारा जो पानी है इसमें तेल में पड़ जाएगा तो वो बिल्कुल उछलेगा और हमारे ऊपर आ सकता है, हमें लग सकती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है इस बात का। अब जो है हमने कच्चे जो हैं ये निकाल लिए हैं अपने पकौड़े। अब हम इसको तेल को एक बार ही दोबारा से अच्छे से गर्म करेंगे। ये देखिए हमारा जो तेल है ये अच्छे से तेज़ गैस में गर्म हो रहा है, गर्म हो चुका है ये। अब हम इसमें डालेंगे अपने पकौड़े। सबसे पहले हमने बनाए थे आलू के पकौड़े, इसलिए सबसे पहले हम वही डालेंगे। ये आलू के पकौड़े हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने बड़े आराम से इसको डालना है, घबराना हमने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बड़े आसानी से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है इसको बनाने टाइम। ये देखिए हमने इसको अभी करते रहना है इसमें, इसको हिलाना नहीं है अभी। इसको एक साइड से हम ब्राउन होने देंगे, फिर हम इसको दूसरी साइड पर पलटेंगे। साइड इसकी हम मोड़ेंगे। अब एक बार हमने सारे मोड़ लेने हैं, इसको हम फिर होने देंगे तब तक ये हमारे थोड़े से ब्राउन ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन। ये पकौड़े देखिए हमारे बड़े अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए, ये बड़े क्रिस्पी बन गए हैं, तैयार हैं हमारे ये निकालने के लिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही हमने जो है इसका तेल अच्छे से निकाल लेना है साइड से करके, और दूसरे टिश्यू पेपर में हमने इसको निकाल लेना है। ये देखिए ये हमने इसको निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बैंगन के पकौड़े। ये बैंगन के हम इसमें डाल देंगे और ऐसे ही हमने इसको ब्राउन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन। ये ऐसे ही हम इसको ब्राउन कर देंगे। ये जो बैंगन है ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसको हमने तेज गैस पे ही बनाना है। और ये ध्यान रहे कि ये बहुत ज़्यादा एकदम काले ना हो, इतनी भी तेज़ गैस ना हो,
कि ये काला ही हो जाए, हमने इसको साथ साथ इसकी जो साइड है मोड़ते रहनी है। हमने इसके पास ही खड़े रहना है, हमने यहाँ से जाना नहीं है, हिलाते रहना है इसको, क्योंकि एक बार जो है हम अपने पकौड़े बना चुके हैं, हम सिर्फ दूसरी बार इसको क्रिस्प करने के लिए यानी कि करारे करने के लिए ही बना रहे हैं। बैंगन के अंदर पानी होता है इसलिए इसमें से थोड़ी सी आवाज़ आती है और पानी थोड़ा सा इसमें उछलता है, इसलिए आप घबराए ना इसको बनाने टाइम। सिर्फ ये जो कढ़ाई का है इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको आपसे बैलेंस नहीं होता तो आप इसको ऐसे पकड़ लें और फिर इसको बनाएं। आप ये देखिए, हाथ हमने हल्का ही रखना है, बहुत जोर नहीं लगाना है। ये देखिए बहुत अच्छे हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये हम निकाल लेंगे। इसका ऑयल हमने अच्छे से फिर निकाल लेना है। ऐसे ही हम बाकी के भी बना लेंगे, प्याज के भी हमने बना लेने हैं। ये पकौड़े जो हैं दाल और चपाती के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं और एज अ स्नैक्स भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको अगर बनाने में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इसका दोबारा आपको डेमो दे सकती हूँ या मेरे वीडियो बार बार दोबारा देख सकते हैं। कुछ आपको पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में मैसेज डालकर पूछ सकते हैं। इसको मोड़ते रहेंगे ताकि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होंगे तभी जब हम इसको मोड़ेंगे। ये हमारे प्याज के बन गए हैं, ब्राउन हो गए हैं अच्छे से, इसको हम निकाल लेते हैं। ये भी हम निकाल लेंगे। और गैस को हम नीचे से बंद कर देंगे। ये पकौड़े अब हम सर्व करेंगे। ये आलू के पकौड़े हैं, बहुत ही क्रिस्पी हमारे अच्छे पकौड़े बन गए हैं। प्याज के भी हम बीच में ऐसे डाल देंगे। ये पकौड़े हमने ऐसे सर्व कर दिए हैं, अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसको ऐसे सर्व करेंगे या मेरी रेसिपी से बनाकर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।